हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव और इमेजिन कीजिए आप एक चींटी हो और एक टेबल पर ऐसे ही टहल रहे हो। आप देखते हो आपके सामने रखा गया एक कागज का टुकड़ा। अब ये कागज का टुकड़ा आखिर कहाँ है? स्पेस में, राइट? जगह घेरे हुए। आपके आसपास जो कुछ भी है सभी कुछ स्पेस में ही है। स्पेस का मतलब ही होता है जगह, जिसके अंदर कोई भी चीज का अस्तित्व मौजूद हो सकता है। लेकिन स्पेस आखिर कितना है या कितना हो सकता है इवन हमारे इमेजिनेशन में? अब हम इंसानी भाई बहनों के लिए स्पेस में अगर आपको कहीं भी ट्रैवल करना हो तो आप ऊपर नीचे आगे पीछे या दाएं बाएं ट्रैवल कर सकते हैं। इसीलिए आप कहोगे, यार वास्तविकता में स्पेस में तीन ही जगहों में ट्रैवल किया जा सकता है, जिसे एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट भी कहा जाता है। तो वेल फ्रेंड्स, ये है आपकी थ्री डायमेंशनल रियलिटी, या कह सकते हैं वास्तविकता जो आपके लिए आपको दिखाई दे रही है। अब जरा कुछ समय के लिए आइए हम इंसानों से चींटी बन जाते हैं। चींटी ऑब्वियसली दुनिया को एक काफी अलग नजरिए से देखती होगी। सो इमेजिन कीजिए आप एक चींटी एक टेबल में ऐसे ही टहलने निकले हो और आपके सामने आपको दिखाई देता है एक पीस ऑफ पेपर। आप कहते हो, वाह, इस पेपर के लिए कितनी ज्यादा स्पेस है मेरी दुनिया में। और आपके लिए दुनिया, बाय द वे, यही टेबल का टू डायमेंशनल सरफेस, यानी सिर्फ दो आयामों वाला सतह है। लेकिन धीरे धीरे करके कहीं से अचानक आपके पास और भी पेपर्स आने लगते हैं और आपका नन्हा सा चींटी का दिमाग शॉक हो जाता है कि यार ये हो कैसे रहा है। बट इससे पहले कि आप ज्यादा सोच सको कि क्या हो रहा है, टेबल पूरा का पूरा चारों ओर से पेपरों से भर जाता है। अब आपके नजरिए से आपको क्या दिखाई देगा कि इस टेबल में पेपर रखने के लिए अब जगह बची ही नहीं है और इसीलिए आप चिल्लाओगे, अरे बस करो यार, टेबल भर चुका है पेपरों से। बट जैसे ही आप चिल्लाओगे, एक इंसान आएगा और उन सभी पेपरों को अरेंज करके एक तीसरे डायमेंशन में डाल देगा, जो यहाँ है हाइट। वो इंसान पेपरों को आसानी से एक के ऊपर एक स्टैक कर देगा और आपके लिए चींटी के नजरिए से वो पेपर्स एकदम गायब हो जाएंगे, क्योंकि वो अब आपके फील्ड ऑफ विजन में नहीं रहेंगे। अब जरा दो मिनट गहराई से सोचिए इस बात पर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी थ्री डायमेंशनल दुनिया के परे भी डायमेंशंस है जहां तक पहुंचने के लिए हमारी इंद्रियां सिंपली विकसित ही नहीं हुई है। उन डायमेंशंस में भी स्पेस है और मैटर एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमारे पास उन्हें देख पाने का या उनसे इंटरैक्ट कर पाने का एक्सेस नहीं है। अब ये आइडिया बहुत ही रेडिकल है और इसने हमारे दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल के रख दिया है। लेकिन ये चीज को हम अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं और हमारे आज तक के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस की सेंस कैसे बना सकते हैं? So friends, अगर आपने मेरा इससे पहले वाला कुछ नहीं से सब कुछ कैसे बना वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि क्वांटम फिजिक्स में जो विज्ञान का वो हिस्सा है जो ब्रह्मांड के सूक्ष्म पार्टिकल्स और उनके बीच इंटरैक्शंस की स्टडी करता है, से हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल्स लगातार जन्म ले रहे हैं और अचानक से गायब भी हो जा रहे हैं। और ये चीज वैज्ञानिकों को बहुत ही वियर्ड लगती है, क्योंकि रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं होता ना कि कोई भी वस्तु आपकी आंखों के सामने से गायब हो जाए। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यही क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल्स असल में गायब नहीं हो रहे, बल्कि वो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल कर रहे हैं और वो हमें हमारी इंसानी नजरियों से ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं कि वो गायब हो रहे हैं। जैसे वो टू डायमेंशनल सतह की चींटी को लगा था कि पेपर्स गायब हो गए, जबकि वो गायब नहीं हुए थे, बस सिर्फ दूसरे डायमेंशन में ट्रांसफर हो गए थे। इंटरेस्टिंग, राइट? बट फ्रेंड्स, अगर आप अब तक मेरे साथ हो तो बस अभी तो आपकी हैरानी की शुरुआत ही हुई है। हम सिर्फ तीन डायमेंशनों से ही आगे क्यों नहीं देख सकते? Well, क्योंकि हमारी इंद्रियां अफ्रीका के जंगलों में हमें शेरों के भोजन बनने से बचाने के लिए इवॉल्व हुई है और इसीलिए हमारा कॉन्शियसनेस तीन डायमेंशन के बाहर नहीं है। बट क्या अगर इस ब्रह्मांड में ऐसे भी जीव हो जो तीन डायमेंशंस के परे देख सकते हैं और इंटरैक्ट भी कर सकते हैं? अब इससे पहले कि आप कहो कि कुछ भी यार गौरव, हमारे पृथ्वी की तरह लाइफ सपोर्ट करने वाले प्लैनेट्स तो हमें अब तक मिले नहीं, तो लाइफ का कहीं और हो पाना बहुत ही रेयर है। वेल, ऐसा सोचना भी बहुत ही गलत होगा, क्योंकि पृथ्वी में जो लाइफ है वो जरा सी भी स्पेशल नहीं है, अगर आप थोड़ा समझदारी से इस पर गौर करें तो। ब्रह्मांड में कौन से एलिमेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद है? ये एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन नंबर वन, नंबर टू हीलियम, नंबर थ्री ऑक्सीजन, नंबर फोर कार्बन, नंबर फाइव नाइट्रोजन और दूसरे एलिमेंट्स
अब पृथ्वी पर जो जीवन है उसमें किन एलिमेंट्स का योगदान सबसे ज्यादा है? आप देखोगे कि नंबर वन पर यहाँ पर भी आएगा हाइड्रोजन और नंबर थ्री पर ऑक्सीजन, जो साथ मिलकर वाटर बनता है और जो हमारे शरीर का लगभग 65% वेट है। हीलियम जो नंबर टू पर है वो नहीं, क्योंकि हीलियम एक इनएक्टिव एलिमेंट है और वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। और फिर चौथे एबंडेंट मात्रा में हमारे शरीर में है कार्बन, जिसपे बेस्ड हमारा डीएनए है, और फिर अंत में नाइट्रोजन। अब फ्रेंड्स, कार्बन ही अकेला ऐसा एलिमेंट है जो इतना रिएक्टिव है कि वो अकेला ही इतने मॉलिक्यूल्स बना सकता है जितने ब्रह्मांड के और सारे एलिमेंट्स एक साथ कंबाइंड। और इसीलिए इस ब्रह्मांड में कहीं और अगर लाइफ होगी तो उसके कार्बन बेस्ड होने के चांसेस बहुत ही हाई है। सो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए हो कि पृथ्वी पर लाइफ जरा सी भी स्पेशल नहीं है, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट जरा भी स्पेशल नहीं है। और अब मेरे जीनियस दोस्तों, आई नो कि आप बहुत स्मार्ट हो और हम इंसान इन जनरल, लेकिन पृथ्वी पर इंसानों के बाद कौन सी प्रजाति है जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है? वेल, इसका जवाब है चिंपैंजीज। चिंपैंजीज है वो जानवर जो इंसानों के बाद सबसे स्मार्ट है, और सबसे स्मार्ट काम जो वो कर सकते हैं वो है सिर्फ साइन लैंग्वेज का यूज करके अपने साथियों से कम्युनिकेट कर पाना। और हम इंसान, वेल, हम क्वांटम कंप्यूटर्स बना रहे हैं, स्पेस टाइम को समझ रहे हैं, सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, एटसेट्रा। और हमारे और चिंपैंजीज के डीएनए में कितने परसेंट का डिफरेंस है जानते हो? सिर्फ 2%। सो इमेजिन कीजिए, अगर इस ब्रह्मांड में जहां लाइफ के इंग्रेडिएंट्स हद से ज्यादा कॉमन है, हमसे भी सिर्फ 2% ही ज्यादा बुद्धिमान कोई सभ्यता तैयार हो सकी, तो हमारा क्या होगा? हम इंसान आज जिस तरह पूरे पृथ्वी पर राज कर रहे हैं, कुछ उसी तरह वो हम पर भी राज कर बैठेंगे और हमें जरा सी भी भनक भी नहीं पड़ेगी। हो सकता है, राइट? वेल, अगर हो सकता है तो क्या सबूत है आपके पास कि ऐसा कुछ ऑलरेडी होना गया हो? क्या पता आप किसी हायर डायमेंशन में बैठे एलियन सभ्यता के फिश टैंक में तैरती मछली हो, और जो फ्री विल आप महसूस करते हो वो आपके लिए फ्री विल जरूर है, बट असल में वो सिर्फ एक छलावा हो सकता है। अब फ्रेंड्स, क्या फ्री विल यानी आपकी खुद की इच्छा एक छलावा है या नहीं, ये डिबेट का विषय है और हमने इस पर भरपूर बातें की है, जो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल मिस मत करना। और फ्रेंड्स, स्ट्रिंग फील्ड थ्योरी में कहा गया है कि यही डायमेंशन जिनकी हम बात कर रहे थे वो बड़े नहीं बल्कि छोटे होते हैं, और 11 है इन टोटल। अब ये 11 डायमेंशन वाला ब्रह्मांड कैसे होता है ये जानने के लिए भी ऊपर आई बटन दबाकर स्ट्रिंग फील्ड थ्योरी पर मेरा वीडियो जरूर देखना, और आपको वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। सो फ्रेंड्स, बहुत सी चीजें हमारे ब्रह्मांड में निश्चितता से क्लियर होनी बाकी है, बट विज्ञान भी शांति से नहीं बैठने वाला तब तक, और मैं जानता हूं कि आप भी नहीं। सो इसीलिए सब्सक्राइब रहे इस चैनल गेट्स इट फ्लाई साइंस को, और नोटिफिकेशन बेल भी बिल्कुल ऑन रखे, ताकि जैसे जैसे हमें हमारे सवालों के जवाब मिले मैं खुशी से वो जवाब सबसे पहले आपको बताऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।